इस वीडियो में हम समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को करने वाले हैं कि जो प्रतिबिंब होता है वो कितना बड़ा बनता है, दर्पण से कितनी दूरी पर बनता है, अगर कोई वस्तु दर्पण की तरफ वी वेग से आ रही है तो प्रतिबिंब कितने वेग से उसकी तरफ दर्पण की तरफ आएगा। तो इन सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, समतल दर्पण में कितनी दूरी तक दिखाई देता है, यानी कि अगर हम समतल दर्पण में देखें तो कितनी लिमिट होती है, 10 मीटर, 10 किलोमीटर कितनी होती है। जो समतल दर्पण में जो हमें दिखाई देता है वो हमें इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक हमें दिखाई देता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो समतल दर्पण में इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। इसको एक प्रकार ऐसे पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो इन्फिनिटी होती है, यानी कि अनंत होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अनंत होती है। फिर जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, प्रतिबिंब सीधा बनता है या फिर उल्टा बनता है। देखो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसकी ये इमेज बनी हुई है, तो जो इमेज बनती है वो उस ऑब्जेक्ट की बिल्कुल सीधी दिखती है। जैसे कि हम लोग अपने शीशा में अपना चेहरा देखते हैं तो हमारा जो हेड ऊपर होता है तो उसमें मिरर में भी हमें क्या कैसा दिखता है कि हेड हमारा ऊपर ही होता है, जो हमारे लेग्स होते हैं पैर होते हैं वो नीचे होते हैं, तो उसमें पैर ऐसा नहीं कि उल्टा दिखता है। तो यानी कि जो हमारा इमेज होता है वो बिल्कुल क्या बनता है, सीधा बनता है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा क्या कि सीधा बनता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, प्रतिबिंब वास्तविक होता है या आभासी। दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, आभासी होता है, वो वास्तविक नहीं होता है। फिर बात करें प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है या फिर पीछे। ये आपका ये दर्पण हो गया, ये हो गई वस्तु, तो जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के आपको ऐसे दिख रहा है पीछे बनता है, तो जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के सदैव पीछे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्रतिबिंब कितना बड़ा होता है। अगर मान लीजिए जो व्यक्ति है वो 150 सेंटीमीटर हाइट का है, यानी उसकी जो हाइट है 150 सेंटीमीटर है, जो प्रतिबिंब भी होगा कितनी होगा, 150 सेंटीमीटर का ही होगा, यानी उसकी कम और ज़्यादा हाइट नहीं होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट क्या होती है, वस्तु की हाइट के बराबर होती है, होगा वस्तु के बराबर होती है। फिर प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनता है, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ से दर्पण है, यहाँ पे एक वस्तु है, इसके बीच की मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ 10 मीटर है, इसके बीच में डिस्टेंस है, तो दर्पण और प्रतिबिंब के बीच में दूरी कितनी होगी, वो 10 मीटर ही होगी, यानी कि जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु रखी होगी प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनेगा। और कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा, कहेगा कि दर्पण और वस्तु के बीच में 10 मीटर की दूरी है, तो बताइए वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, तो आप 10 आंसर ना करिए क्योंकि इसके और इसके बीच में पूछ रहा है, तो जो टोटल डिस्टेंस होगी 10 एंड 10 कितनी होगी, 20 मीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पूरा शरीर देखने के लिए दर्पण कितना बड़ा होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अगर हमें पूरा शरीर अपना देखना है कि पैर और हेड सब कुछ हमें दिखे तो हम क्या करेंगे, तो दर्पण कितना बड़ा होना चाहिए। अगर मान लीजिए मेरी हाइट है 150 सेंटीमीटर अगर हमारी हाइट है तो हम मिरर लेना है, वो हमें इसका आधा यानी लगभग 150 सेंटीमीटर का आधा अगर होगा तो उसमें हमें पूरा शरीर दिख जाएगा। लगभग 75 सेंटीमीटर का हमें अगर मिरर मिल जाता है तो उसमें हमारा पूरा का पूरा शरीर दिखेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल पे पड़ती हैं और उसी तरह वापस हो जाती हैं। फिर है प्रतिबिंब की गति दर्पण की तरफ कितनी होती है। अगर मतलब आदमी है जो वी वेग से दर्पण की तरफ जा रहा है तो जो इमेज आपको कैसी प्रतीत होगी, कितनी स्पीड से आनी, तो ये ध्यान रखना 2V यानी कि 2V की स्पीड जानी। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं कर दूँ कि 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये व्यक्ति दर्पण की तरफ जा रहा है, जो इमेज आप दर्पण की तरफ है वो 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आती हुई प्रतीत होगी। 20 मीटर पर सेकेंड यानी दोगुनी रफ्तार से, 10 मीटर पर सेकेंड से अगर कोई व्यक्ति इसकी तरफ जा रहा है तो उसकी इमेज जो होगी वो 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से दर्पण की तरफ आती हुई प्रतीत होगी। तो यानी कि समझ लीजिए कि स्पीड से दोगुनी स्पीड से, ध्यान रखना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, जब दो समतल दर्पण एक दूसरे पर झुके हुए होते हैं तब उनके बीच स्थित किसी वस्तु के प्रतिबिंब दोनों दर्पणों द्वारा कितने बनेंगे। यानी कि मान लीजिए कोई दो मिरर हैं ऐसे ऐसे झुके हुए, जो जितना भी एंगल बनाए ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और उनके बीचों बीच उनके बीच यहाँ पे ऐसे फिगर उनके बीच वस्तु रख दी गई, मैंने एक व्यक्ति को दिखा दिया एक वस्तु रख दी गई बिल्कुल बीचों बीच, अब बताइए उसमें कितने फिगर दोनों दर्पणों में, क्योंकि देखो एक फिगर बनेगा तो उसका दूसरे में फिगर, जैसे कि आप जब
जब हम लोग बाल कटाने जाते हैं तो एक सामने मिरर होता है, एक पीछे मिरर होता है। तो अब देखिए कि जो आपकी हेड होगी कितनी बार दिखेगी उस मिरर में, फिर दूसरे मिरर में, उसी मिरर में और दूसरे मिरर में, इसी तरह क्रॉस होते होते कई सारी हमारी इमेजेस बन जाती। सेम एज जब यहाँ पे बीचों बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा तो उसका क्या होगा, यहाँ पे कई सारी इमेजेस में बनेंगी, फिर उसकी इमेज इसमें और उसकी इमेज इसमें। तो ये पता करने के लिए कितनी इमेजेस बनेंगी, तो ये फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस वन। 360 अपॉन थीटा माइनस वन, अगर यहाँ पे डिपेंड करता है जो थीटा होगा वो दोनों मिरर्स के बीच में बना हुआ एंगल होगा थीटा। अगर मान लीजिए थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, थीटा कितने डिग्री है, 60 डिग्री है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 360 अपॉन 60 माइनस वन। 60 से 360 को काटेंगे कितना आ जाएगा, 6 माइनस वन आ जाएगा हमारा आंसर 5। तो इनके बीच जो दोनों मिरर्स में होंगे वो टोटल इमेजेस कितनी बनेंगी, 5 इमेजेस बनेंगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।